कुछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के नियंत्रण रेखा के पास भीषण आग लगी हुई है, जिसके चलते वन संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। बलनोई और बालाकोट का इलाका आग की चपेट में आया है। वहीं फॉरवर्ड इलाका है नियंत्रण रेखा के पास, वहां भी आग तेजी से फैल रही है। आसपास के रहने वाले लोगों ने सेना की, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की है। अभी भी जंगलों में आग जारी है और प्रयास किया जा रहा है कि उस पर कंट्रोल किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर लगी आग से कई बारूदी सुरंगें भी निष्क्रिय हुई है। सेना की ओर से लगातार आग पर काबू पाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ के आवाम ने भी बहुत और यहाँ जो हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि ये गाड़ियों की जो रोड का डिपार्टमेंट में तो रोड की भी कमी थी, उसकी वजह से गाड़ी पहुँच नहीं सकी आगे तक और घर बचाया, लेकिन वो पानी जो है दूर से पाइप भी नहीं वहाँ तक पहुँची और गाड़ी ख़राब भी हो गई। हमें और गाड़ी चाहिए ताकि गाड़ी एट ए टाइम पर हमें वो भी आ जाए और हमारी हेल्प जो है वो आर्मी ने भी हेल्प की, आर्मी ने भी गाड़ी दी और पानी दिया और जिसकी वजह से हमारे एक मकान बच गया। और यहाँ दो तीन दिन से आग जो बाड़ी एरिया में लगी हुई थी, हम उसके वाच एंड वार में पूरा स्टाफ हमारा 10-20 लोग हम यहाँ मौजूद थे और जिस जगह आग लगती थी उससे पहले हमने फायर लाइन क्रिएट की और कई जगह क्वार्टर फायर का इस्तेमाल भी किया। बहरहाल आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई, हम लोग आग बुझा रहे थे, बीच में अचानक आग जो है वो तेज़ हवा की वजह से इतनी फैली कि पूरा एरिया जो है वो दैट वॉज इन द ग्रिप ऑफ फायर। तो उसके बाद सब लोग आ गए, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, दोज हुआ लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ फॉरेस्ट, ये सब लोग आए, उन्होंने आके हमारी हेल्प की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद जब आग घरों के पास पहुंची तो हमने कोशिश की कि घर बचाए जाए। इमीडिएटली मैंने मेंटर जो है वो अपने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कॉल किया, ये लोग फौरी पहुंचे, लेकिन बदनसीबी भी ये गाड़ी ख़राब हो गई।